आपके समक्ष तेजस्वी जी आए थे 2024 का 24 वचन लेके आए। इसमें चीजें क्या है? इसमें नौकरी की चर्चा, इसमें महिलाओं के आर्थिक सबलीकरण, बाकायदा बेट लाइन के साथ की रक्षाबंधन के दिन से 1,00,000 प्रतिवर्ष हमारी महिलाओं को, बहनों को, माओ को, जिसमें अग्निवीर के बदले पुरानी सेना की योजना, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम की चर्चा, जिसमें सामाजिक सुरक्षा के अन्य मानकों की चर्चा, जिसमें पूरे बिहार में जो मैसेज दिया है, और आप सब जानते हैं कि नौकरी मतलब तेजस्वी, आपने इस पर कुठाराघात किया है। भारत के संविधान पर आपने कुठाराघात किया है। सूरत के लोगों को बिना वोट किए हुए आपने सांसद दिया, इंदौर में आपने बिना वोट किए सांसद दिया, वो तो भला और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, कि चंडीगढ़ में आपकी डकैती पकड़ी गई, आप चुनाव में डकैती कर रहे। मनरेगा में मजदूरी बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है, मैनडेट्स बढ़ाने की चर्चा हो रही है, नौकरियों को केंद्रीय विमर्श में लाने की चर्चा हो रही है, बेहतर स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है, और इन चर्चाओं से प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम भाग रही है, जिसके हजारों यौन शोषण के वीडियो क्लिप्स हैं, जिसके बारे में खुद बीजेपी के नेताओं ने लिखा, उसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाइयों बहनों इसको मजबूत करो, प्रज्वला, ये क्या नाम है, प्रज्वला रमन्ना, मैं मजबूत होऊंगा। प्रधानमंत्री जी बड़े मजबूत दिखते हैं, आप कहां मजबूती तलाश रहे हैं? आपको संदेश देना था कि किसी पार्टी का हो, किसी सिंबल पे हो, सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन आप चुप्पी साध गए, तो क्या ही कहें? अरे ना उस कानून से देश चलेगा, ना मनुस्मृति से चलेगा, इससे चलेगा, और जिसकी समझ हमारे माननीय गृह मंत्री जी को नहीं है। जंगल राज की बात करते हैं अन्य अमित शाह जी, इस लेवल पर नौकरी देके दिखाइए ना। अगर 5,00,000 नौकरी देना जंगल राज का प्रतीक है, तो मैं चाहता हूं आप भी ऐसा जंगल राज कराइए। अगर स्वास्थ्य सेवा बेहतर करना जंगल राज है, तो आप भी बनाइए ऐसा ही जंगल राज। अगर महिलाओं के सबलीकरण की बात करना जंगल राज है, तो आप भी बनाइए। कांग्रेस और हमने कभी भी नहीं, सामाजिक न्याय को लेकर के हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है, हम बंच ऑफ थॉट वाले लोग नहीं है। प्रधानमंत्री जी, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इस चुनाव में हर चरण के बाद फिसल रहे हैं, और ये फिसलन इतनी ज्यादा होती जा रही है कि मुझको लगता है तीसरे चरण के बाद मस्तिष्क की जो सिराएं कंट्रोल करती है कि आदमी क्या बोले क्या ना बोले, उन सिराओं ने अपना काम करना बंद कर दिया। इससे ज्यादा असत्य वचन बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। कौन सा रिजर्वेशन दिया किसको? झूठी बात है, जिन लोगों ने कोशिश की वो दे दो, कौन आपके साथ है, क्या बात कर रहे हैं आप? ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि झूठ क्यों बोल रहे हैं और सलीके से झूठ बोल रहे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स कहीं पढ़ा आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में? बिल्कुल नहीं, बल्कि जयंत सिन्हा जी एक बार बोल रहे थे जो उन्हीं की पार्टी के। तो जो व्यक्ति झूठ के खोल में ही रहता हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल है उनके सवालों का क्या जवाब दे। धिक्कार है, देश के प्रधानमंत्री हैं आप, विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता। हम शिकायत भी किससे करें? आपकी शिकायत आपसे कर रहे हैं। आप सत्य बोलना सीखिए, असत्य बोलते बोलते आप असत्य की ही दुनिया में रहेंगे। धन्यवाद तेजस्वी, क्योंकि आपने कहा, आपने किया, और हमें पूरा यकीन है कि